हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुड़ की और इमली की मीठी चटनी। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा गुड़, एक कटोरी इमली, शक्कर, लाल मिर्ची, नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर, हींग, अदरक कद्दूकस की हुई और पानी। पैन रखेंगे, इसको गर्म करेंगे, इमली डाल देंगे इसमें हम और पानी डाल देंगे। और इमली को थोड़ा गलने देंगे। इसको 2-3 मिनट अच्छे से पका लेंगे जिससे इमली इसमें गल जाए। अच्छे से गल गई है, गैस को बंद कर देंगे हम और इसको छलनी से छान लेंगे। पैन में थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। बारिश निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के इसका हम सारा रस निकाल लेंगे। इसमें सिर्फ इसके रेशे और गुठली रह जाएंगी। देखिए इसका सारा पल्प नीचे निकल गया है और रेशे और गुठली ही रह गई है। गैस पे पैन रखेंगे, इसमें 1-2 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो जाए इसमें, उसके बाद इसमें हम ऑयल गर्म हो गया है इसमें हम जीरा डाल देंगे। 1 पिंच इसमें हम हींग डाल देंगे। बन जाए इसमें अच्छे से हम इमली वाला पल्प डाल देंगे अपने। इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें हम ये गुड़ डाल देंगे। गुड़ को इसमें अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है, इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, लाल मिर्ची 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच के रखे थे वो। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे। चीनी डालने से इसका कलर भी अच्छा होता है और ये दिखने में भी अच्छी लगती है। देंगे तो उसका टेस्ट भी थोड़ा खुलकर आएगा। चीनी को मेल्ट होने देते हैं। ये अच्छे से पक गई है। चीनी डालने के बाद इसको थोड़ा पकाना चाहिए क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है, तो जिस ये जल्दी खराब होने का डर रहता है। तो हम इसको अच्छे से पका लेते हैं और कांच की एयरटाइट बॉटल में इसको ठंडा करके भर के रख लेंगे। ये काफ़ी दिन तक अच्छे से चलती है। चटनी ठंडी हो गई है, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है।